अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पार्ट टू है हमारा, पार्ट वन मैंने सॉल्व करवा दिया। एक नई एनर्जी के साथ एक नए तरीके से पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का है, इसे हम सॉल्व करेंगे। और ये कराची बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक की है, ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, इसके साथ साथ में चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16 और साथ साथ 8, 7, 6 तमाम चैप्टर्स मैंने काफ़ी हद तक चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए। अब जाकर वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो किस तरह से हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस और ये सब चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट भी दे दूंगा और साथ साथ आप मेरे चैनल के वीडियोस में जाकर के प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर देख सकते हो, उसके अंदर भी बेतहाशा मैंने वीडियोज़ डाले हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4.3। तो आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो बच्चे देख रहे होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच नहीं पाती है। एक दफ़ा मेरी वीडियो आपके पास पहुँचेगी तो मेरा मुझको सपोर्ट मिलेगा और मैं क्या करूँगा, आपके साथ ये वीडियोज़ शेयर करते रहूँगा इंशाल्लाह। तो चलें आए इसको सॉल्व करते हैं। हम वो मेथड अपनाएंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में स्टेप्स को फॉलो करना होता है, उससे आपके अच्छे नंबर आए। तो हमारे पास सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ होगा बेटा, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम उतारेंगे। सवाल क्या है, फैक्टराइज, मतलब फैक्टर्स में हमें इसको तोड़ना है, लेकिन किसी अलग अंदाज में तोड़ना है, ठीक है। तो आज इसको आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उसको वापसी उतार दोगे, ठीक है। तो हमने एक्स प्लस वन लिखा, एक्स प्लस टू लिखा, एक्स प्लस थ्री लिखा, एक्स प्लस फोर लिखा, माइनस 48 लिखा, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया यहाँ तक। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमें एक साथ इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना साइड, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसमें आपको एक ट्रिक, एक लॉजिक लगानी होगी या एक कंसीडर करना होगा कि हम उन दो चीज़ों को हम ऐसे इकट्ठे करके लिखें, अरेंज करके लिखें, जब उनका हम सम करें ना तो उसकी वैल्यू सेम आ रही हो। सम से मुराद मतलब उसको जब प्लस करें ना सेम वैल्यू आए। तो हमारे पास वन है, वन को अगर हम टू से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा। लेकिन थ्री को जब हम फोर से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ थ्री आ रहा है, ये सेवन आएगा, एक दूसरे से सेम नहीं आ रहे हैं। तो हम एक काम ऐसे कर सकते हैं, वन को हम फोर से प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, फाइव। टू को हम थ्री से प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव। तो मतलब क्या, पहले मैं ये वाला टर्म लिखूंगा, फिर मैं ये वाला टर्म लिखूंगा, फिर मैं ये वाला टर्म लिखूंगा और फिर मैं ये वाला टर्म लिखूंगा। ऐसे अरेंज करके जब लिखूंगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जो सवाल ये अरेंज करके लिखना है, तो मैंने लिखा एक्स प्लस वन, वैसे ही लिखा, इस वाई टर्म को इधर लिखा, क्यों इसलिए लिखा क्योंकि वन प्लस फोर कितना हो जाता है, फाइव हो जाता है। अभी आगे आपको करके बताऊँगा भी और आपको समझ में भी आएगा कि हो क्या रहा है। एक्स प्लस टू हमने वैसे ही लिखा अब जो बचा हुआ, और ये एक्स प्लस थ्री हमने वैसे ही लिखा, और माइनस 48 वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है इन दोनों में, इन दोनों में, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं। मल्टीप्लाई परफॉर्म करने का तरीका क्या होता है, ये वाली जो टर्म होगी वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली जो टर्म होगी फिर से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम पावर एड हो जाता है। फिर यही एक्स जब फोर से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो क्या आएगा, एक्स फोर जा 4x, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया तो अब इसकी बारी आई है, प्लस प्लस हमारे पास प्लस होते हैं, 1x का क्या होगा, x ही होगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और 1 प्लस प्लस फिर क्या होगा बेटा, प्लस होगा, और 1 फोर का क्या होता है, 4 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स 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 स्क्वायर, फिर यही x को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस का 3x, फिर प्लस प्लस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और 2x का क्या हो जाएगा, 2x, और 2 3 का क्या हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस 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 होता है, 2 3 6। यहाँ तक कोई मसला अभी तक नहीं हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, आपने अब इसको सिंपल प्लस कर देना, जिस तरह से प्लस हो रहा हो, जो चीज़ प्लस हो रहा है उसे प्लस करेंगे। आ जाओ, एक्स का स्क्वायर हमने वैसे ही लिखा, प्लस हमने वैसे ही डाला, 4 प्लस एक्स कितना होगा, 5x होगा, प्लस 4 वैसे ही लिख देंगे, इन दोनों को इसको भी देख लेते हैं, x का स्क्वायर वैसे ही लिखा, प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है, 5x होता है, और प्लस 6 होता है, और माइनस 48 वैसे लिख दिया। अब आप एक चीज़ चेक कर लो, हमने क्यों अरेंज करके लिखा था, हमने अरेंज करके इसलिए लिखा था बेटा
क्योंकि हमारे पास ऐसी टर्म सेम सेम आ जाए। देख लो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने करना सिखाया था ना आपके पास, इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ रहा था उसके आगे से सॉल्व करना था। तो क्या है, एक्स प्लस फाइव एक्स और एक्स प्लस फाइव एक्स को हम लेट करेंगे, हम सपोज करेंगे, ठीक है। क्या सपोज करें, कोई अल्फ़ाबेट से सपोज कर लेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों हमारे पास सेम हैं, जब चीज़ें सेम होती हैं तो हमको उसको सपोज करके उससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आपकी गलतियां भी हो सकती हैं। तो उस गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी तरीके से सॉल्व हो जाए, आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट करेंगे, लेट करने के लेट मतलब सपोज करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, x प्लस फाइव एक्स जो है हमारे पास, देखो हम क्या लिख रहे हैं, t लिखेंगे और x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स था उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, आप t, आपकी मर्जी, आप t लिखो, a लिखो, b लिखो, c लिखो, इट्स योर, इट्स डिपेंड्स ऑन योर। लेकिन आपके बुक में क्या है, t लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखा है, t को फॉलो किया है, अब भी आप भी t लिख सकते हो। अब क्या करोगे, जहाँ जहाँ x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं। ये करने का तरीका इसलिए था क्योंकि हम क्या कर सकें, अपने क्वेश्चन को आसान से आसान कर सकें। तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, t, मैंने t पुट कर दिया, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है, फोर, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, x प्लस फाइव एक्स, फिर से वही चीज़ आ रहा है, तो हम क्या पुट कर देंगे बेटा, t, और प्लस क्या लिखा हुआ है, सिक्स और माइनस 48। अब देख लो ये चीज़ ज़्यादा आसान है ना एज कम्पेयर टू इन सबको मल्टीप्लाई करने में, आपको देखने में आसान लग रहा होगा। तो बस अब आराम से मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, t तीजा कितना हो जाता है बेटा, t का स्क्वायर, फिर ये t इससे प्लस होगा तो प्लस प्लस प्लस, t सिक्सा 60, फिर फोर को मल्टीप्लाई करेंगे हम t से तो प्लस 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 होगा, 40, और प्लस 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 फिर से प्लस आएगा, 46 कितना होता है बेटा, 46 24 होता है, और माइनस 48 हम वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे जगह नहीं था तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, टी स्क्वायर तो हमारे पास वैसे ही लिखाएगा, कोई चेंज इसमें नहीं हो सकता, प्लस 60 40, बेस सेम है तो हम एडिशन, सॉरी वेरिएबल सेम है तो हम एडिशन कर सकते हैं, वेरिएबल सेम होना लाजमी होता है तो ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, अलजेब्रा का रूल होता है ना ये। तो 6 + 4 कितना होता है बेटा, 10 होता है, और वेरिएबल सेम था, टी उसके साथ साथ लिख दिया। जब 24 में से माइनस 48 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 24 आएगा। अब आप देख लो, अब हमारे पास एक इस तरह का क्वेश्चन बन गया जिसको हम फैक्टर्स बना सकते हैं, मिडल टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई करते हैं। मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, जो बीच वाली टर्म होती है उसे हम क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं। मैंने हर चैप्टर्स में सिखाया है मिडल टर्म ब्रेक किस तरह से निकलता है, ये क्योंकि मेरी ये फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, मतलब कि पार्ट टू का पहली वीडियो चल रही है, उसको मैं डिटेल में बताता हूँ मिडल टर्म ब्रेक किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाली टर्म होती है ना उसको हम पहली वाली टर्म के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशियंट से मुराद कोई भी नंबर। तो हम 24 को जब टी के साथ जो नंबर लिखा हुआ होगा, क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था, मैं 1 लिखा हुआ है, तो हम 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। फिर उसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, टेबल से हम बस पढ़ते जाते हैं, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब हम क्या करेंगे, एस को इस तरह से प्लस माइनस करेंगे कि जब हमारे पास प्लस माइनस करके 10 आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो हम कुछ करते हैं किस तरह से, हमारे पास ये 10 आ जाएगा, 2 2 कितना होता है 4, और 2 3 कितना होता है 6, क्या 6 + 4 10 होता है, 6 + 4 हमारे पास 10 होता है, जी बिल्कुल हमारे पास तो 10 होता है। तो हम क्या कर देंगे, 6 इसके जगह लिख देंगे 60 + 40, तो इस लिहाज से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगी वैल्यू। तो आज इसको हमने ये लिया, अब हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 10t आ जाए सॉरी। तो 3 2 क्या होता है 6 6 2 कितना होता है 12 आ गया, और 12 में से अगर हम 2 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा,
10 आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। तो अब ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, हम t का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 12t लिखेंगे, फिर हम माइनस लिखेंगे 2t लिखेंगे, और फिर क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे, क्योंकि हम जब इसको प्लस माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 24 आ जाता है। तो हमारा बिल्कुल ठीक ही होगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, जब भी हम मिडिल टर्म ब्रेक लेते हैं तो कॉमन लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 12t में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों से कॉमन हमारे पास आ रहा है टी, हमने टी कॉमन ले लिया, और फिर क्या बचा, एक टी से एक टी करो तो हमारे पास एक टी बचा, और फिर क्या बचा प्लस 12 बच गया, क्योंकि इस टी से ये टी भी कट गया। क्या इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों से कॉमन हमारे पास माइनस का निशान कॉमन आ रहा है, और साथ साथ 2 की टेबल में हमारे पास 2 भी आता है और 24 भी आता है। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ अल्फ़ाबेट हमारे पास कॉमन है, हम टेबल वाला भी चीज़ें कॉमन आ जाती है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, इस 2 से ये 2 करता था हमारे पास t बचा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2 को 12 दफ़ा पढ़ोगे तो हमारे पास क्या जाएगा 24 आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक सही निकला है कि नहीं निकला, इस तरह से वेरीफाई हो सकता है कि हमारे पास दो वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया टी प्लस 12 हो गया, एक और बार सेम ले लिया हमने, और फिर टी माइनस 2 बचा, इसे दोबारा कॉमन लिया, तो हमारे पास जो चीज़ें बच गई थी हमने उसे वापसी लिख दिया। क्या ये यहाँ पर आंसर आ गया, नहीं बिल्कुल नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने किसी चीज़ को सपोज किया था, टी को सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ अब इसको पुट करेंगे, क्योंकि हमने तो सिंप्लीफाई करने के लिए पुट किया था ना, तो हम क्या लिखेंगे पुटिंग डी वैल्यू ऑफ टी, किसके बराबर हमने टी लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ ये पुट कर देंगे। आ जाओ, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो हमने 12 लिख दिया, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है टी दोबारा लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है माइनस 2, तो हम माइनस 2 लिख देंगे। तो सिंपल सा था, आसान सा था, और ये आंसर आ गया। हमेशा कोशिश करोगे बॉक्स में ऐसे बन क्या करो, और आंसर हमारे पास सेम यही आ रहा है, तो आप इसे नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये भी आसान है, उसी तरह से इसे सॉल्व करना है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। तो हमें वही देखना होगा इसमें कौन सी दो टर्म ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारे पास सेम नंबर्स आएँ। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसे वापसी उतार लेना है। तो x प्लस 2 हमने लिखा, फिर उसके बाद एक्स प्लस 3 लिखा, फिर एक्स प्लस 4 लिखा, एक्स प्लस 5 लिखा, प्लस 24, क्योंकि अगर बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो आप मुझे फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, 2 प्लस 4 कितना होता है 6, क्या 3 प्लस 5 क्या होता है 3 प्लस 5, तो हमारे पास ज़्यादा होता है 8 हो रहा है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 को हम 5 से प्लस कर लें 7, और 3 को 4 से प्लस कर दें तो 7, तो मतलब इस वाली टर्म को लिखेंगे, इस वाली टर्म फिर इस वाली टर्म को लिखेंगे। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 2 हमने वैसे ही लिखा, ये वाली टर्म को हम पहले लिख लेंगे एक्स प्लस 5, फिर इस वाली दोनों टर्म को लिखेंगे एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, क्योंकि सब सेम आ रहे हैं हमारे पास वैल्यू, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 4 7, तो इसलिए हमने एक साथ इसको लिखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना। तो आओ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, बहुत आसान होता है, x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसी प्लस 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 हो जाएगा, और फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, फिर प्लस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस हमारे पास प्लस, और 2x, और फिर क्या हो जाएगा 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 10। यहाँ तक कोई मसला अभी तक नहीं हुआ होगा। अब इन दोनों टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, पहले x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 4 से करा तो 4x हो गया, क्योंकि प्लस ही निशान है, कोई माइनस तो होना ही नहीं है किसी में, तो हम प्लस प्लस ही डालते जा रहे हैं, फिर प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस का 3x, और फिर 3 4 कितना होता है 12 होता है, तो प्लस का 12 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ क्या जाएगा 24 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, आ जाओ किस तरह से होगा, x का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, 5 प्लस 2 कितना होता है 7x, और प्लस का हमारे पास 10 आ जाएगा। आ जाओ x का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, 4 प्लस 3 कितना होता है 7x होता है, हमने 7x लिखा, और 12 हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस 24 वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, हम साथ साथ करते जा रहे हैं, स्पीड में भी काम करें ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। अब क्या देख रहे हो बेटा, एक्स का स्क्वायर 7x, एक्स का स्क्वायर 7x सेम आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं लेट कर देते हैं। लेट कर रहे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास आंसर आसानी से हमारे पास सॉल्व हो जाए, आंसर तो सेम ही आना है। लेट करा, लेट करने के बाद हमने क्या करा, टी को सपोज कर लिया किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, वहाँ हम पुट करेंगे टी। चलो आ जाओ करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
आपको तो आ रहा होगा साथ साथ, आप साथ साथ करें, आप साथ साथ अपने वो भी निकालें, क्या बोलते हैं, पेन कॉपी, ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहें, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, थ्री पुट कर दिया, और प्लस टेन हमने वैसे ही लिखा, कोई चेंजेस इसमें नहीं की। फिर उसके बाद एक्स प्लस सेवन एक्स से फिर से हमने थ्री पुट करा और प्लस क्या कर दिया, ट्वेल्व कर दिया, और आखिरी में हमारे पास क्या बचा, प्लस 24, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। आज ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, टी को जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे ना हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर, फिर यही टी को जब 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 12t, फिर यही टी को जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 10 का टी, और फिर यही टी को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 12 जा 120 प्लस 24, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व करना है, जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है। टी का स्क्वायर तो हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही उतरेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी, प्लस 12, 10 तो हमारे पास कितना होता है, प्लस का 22t, ठीक है। फिर प्लस लिखा हमने 120 में, जब 24 को प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144, ठीक है। तो 144, अब आपने क्या करना है, आपको मिडिल टर्म ब्रेक लेना है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट करने से पहले आप ट्राई भी करके देखिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो हमारे पास 144 आएगा, फिर हम 144 का एलसीएम लेंगे, हम इसको बहुत कोशिश करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक निकालने की, मतलब इस ऐसे नंबर को तोड़ने की कोशिश करेंगे हमारे पास क्या आ जाए, 22 आ जाए, तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 11 अगर 11 को भी प्लस करोगे तो 11 शेयर होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आएगा ही नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं आएगा, तो यहाँ क्या लिख दोगे, द सोल्यूशन इज डजन, मतलब आप लिख दोगे सोल्यूशन इज नॉट, मतलब आया ही नहीं है, इम्पॉसिबल लिख दो, सिंपल इम्पॉसिबल, बस ख़त्म यहीं पर कर देना, इम्पॉसिबल फैक्टर्स, फैक्टर इज इम्पॉसिबल, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो खैर यहाँ पे आके एंड हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं फटाफट। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करने एंड देन इसका फैक्टर बना के मिडिल टर्म ब्रेक निकालना है, मिडिल टर्म ब्रेक निकाल के फैक्टर्स बनाने। तो आज हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको हमने वापसी उतार दिया, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और माइनस 99। अब क्या करना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है बेटा कि आपके पास क्या है, सेम जैसे नंबर आ जाएँ। और याद रखना, मैं आपको बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और आप कहते हैं तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, तो इसलिए मैं तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो x माइनस वन हमने लिखा, ठीक है। अब माइनस वन में ऐसा कौन सा नंबर होगा, देखो माइनस वन माइनस फोर तो क्या आ जाएगा, माइनस का फाइव, माइनस टू माइनस थ्री तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का फाइव। तो मतलब दोनों सेम आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इस दोनों को अरेंज कर लेंगे, इस वाले टर्म को इसके तरह, इस वाले टर्म को इसके साथ, x माइनस टू और x माइनस थ्री माइनस का 99। अब जो इन सबको मल्टीप्लाई करो, x x का क्या होता है हमारे पास, x का स्क्वायर होता है, फिर यही x को जब माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x होगा, फिर यही माइनस वन को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और वन को जब भी किसी भी नंबर से मैंने लो वही सेम चीज़ आ जाती है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, वन फोर जा क्या होता है, फोर हो जाता है। इसी तरह से इसको करेंगे, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री एक्स, माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, टू को एक्स से करेंगे तो टू एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और टू थ्री जा क्या हो जाते हैं, सिक्स हो जाता है, और माइनस 99 हम वैसे ही उतार देंगे। मजीद सॉल्व करेंगे, आ जाओ, एक्स का स्क्वायर माइनस 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 ही प्लस होगा, लेकिन हम प्लस माइनस करें तो हम निशान माइनस का ही लिखते हैं, फोर प्लस वन कितना हो जाता है, फाइव एक्स, और प्लस का फोर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस माइनस, हमें माइनस प्लस होगा लेकिन निशान माइनस होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज होता है, ठीक है। तो हम फिर क्या आ जाएगा, फाइव का एक्स आ जाएगा और प्लस सिक्स आ जाएगा और माइनस 99 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ चेक कर लो, एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, फिर से सेम आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। सपोज करने का तरीका क्या होगा, आपको लिखना है, लेट करना है, लेट करोगे आप और लिखोगे टी बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ठीक है, जो चीज़ वैल्यू होगी उसको हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना होगा बेटा, सिंपल आसान, जो करते हुए आए हैं, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स होगा वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, वहाँ क्या, वहाँ क्या लिख देंगे, टी को लिख देंगे। तो आज इसको करते हैं हम, बहुत आसान से, कोई मुश्किल नहीं है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे और प्लस का हम फोर करेंगे। बेटा मैं थोड़ा टेस्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा दिया पहला क्वेश्चन अच्छे से हो रहा है, तो आप इसको भी देखते जाओ, आपको यकीनन समझ में भी आ रहा होगा, है ना जरूर। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे और प्लस का हम क्या लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे और माइनस 99 वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। जब टी को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर जब हम टी को प्लस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, टी को तो प्लस का सिक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फोर को टी से प्लस कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का फोर टी आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर सिक्स 24 और आखिरी में क्या बच गया, माइनस 99। आ जाओ इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज ये कैसे सॉल्व होगा, हमने क्या लिखना है, टी लिखना है, टी का स्क्वायर ही लिखना है, सिक्स प्लस फोर कितना होता है, 10 होता है, तो हम 10 टी लिख देंगे। 99 में से अगर हम 24 को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, माइनस का 75 आएगा। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो और डायरेक्ट भी माइनस कर लो, तो सिंपल से आसान से। अब क्या करना है आपको, अब आपको मिडिल टर्म ब्रेक लेना है, तो आपको 75 का फैक्टर्स बनाने होंगे सबसे पहले। तो 75, अजान स्टार्ट हो गई, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ तक कर लिया था, अब इसका आगे करते हैं। 75 को क्या करना है, पहली बार टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 75 वन जै क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा, तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका हम फैक्टर्स ले लेंगे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 75 का, हम जब फैक्टर्स ले रहे हैं क्या आ रहा है, 5 1 5, इधर एक चल 2 चलेगा तो क्या क्या, 5 5 25, 5 3 15 और 3 1 3। फिलहाल 3 को ऊपर होना चाहिए था, 5 को नीचे होना चाहिए था, फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रूल होता है उस रूल को अपनाते हैं कि हम छोटी टर्म को ऊपर लिखते हैं और बड़ी टर्म को नीचे लिखते हैं, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं हम, 3 5 से कितना होता है, 15, और 15 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, टी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 15 टी लिखेंगे, 5 3 15, और माइनस कर देंगे इसको किससे, 5 से कर देंगे, तो 5 का टी और माइनस 75, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों से कॉमन हमारे पास टी आ रहा है, टी को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, इस टी से ये टी करो तो 1 टी बच गया, प्लस इस टी से ये टी करो तो हमारे पास क्या बच गया, 15 बच गया। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है और 5 आ रहा है, क्योंकि 5 की टेबल में 5 दफ़ा पढ़ने से 5 आता है, 1 दफ़ा पढ़ने में 5 आता है, और जब हम 5 को 15 दफ़ा पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 75 आ जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी हमारे पास बचेगा इससे ये कटेगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इस 5 से ये 15 दफ़ा पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया, 75 आ गया। हम देख रहे हैं दोनों चीज़ सेम आ रही है, तो हम एक दफ़ा लिखेंगे इसको, और जो हमारे पास बच जाएगी वैल्यू उसको हम बाद में लिख देंगे। क्या आपके आंसर आ गया, नहीं आया, क्योंकि हमने लेट जो किया था टी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ टी बराबर है किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो आप उस वैल्यू को पुट कर दो। फिलहाल इक्वेशन 1 भी दे सकते थे इसको, खैर ऐसे भी कर सकते हो आप। टी की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और जो वैल्यू बची हुई है प्लस 15 वैसे ही लिखेंगे, और टी की जगह दोबारा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और जो वैल्यू बची हुई है माइनस 5 इसको वैसे ही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, ये भी सेम है, उसी तरह से अरेंज करना है जिस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सोल्यूशन लिखेंगे, और जो सवाल लिखा होगा उसको हम वापसी उतार देंगे, ठीक है। x माइनस 5, x माइनस 7, x माइनस 9। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल के आइकन को क्लिक करें तो जल्दी से आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप या तो आप रिवीजन करें तो आपको रिवाइज हो जाएगा, या तो आप पेपर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ें तो फिर आपका ये कोर्स कंप्लीट होते जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको अरेंज ऐसे करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास एक जैसी टर्म आ जाए। माइनस 3 माइनस 9 कितना होता है, 12 होता है जी बिल्कुल। माइनस 5 माइनस 7 कितना होता है, 12 होता है जी बिल्कुल। तो हम इसको इसी तरह से अरेंज करेंगे, x माइनस 3 हम पहले लिखेंगे, फिर x माइनस 9 हम बाद में लिखेंगे,
और फिर इसके बाद x माइनस फाइव हम पहले लिखेंगे और x माइनस सेवन हम बाद में लिखेंगे और प्लस 15 हम उसी तरह से लिख देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, x x से कितना होता है बेटा x स्क्वायर, फिर यही x माइनस नाइन से होगा तो 9x, फिर माइनस थ्री माइनस x माइनस थ्री x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री x, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस थ्री, नाइन से कितना होता है हमारे पास 27, ठीक है। फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को माइनस सेवन से करेंगे तो माइनस सेवन एक्स, फिर माइनस फाइव x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फाइव एक्स, और फाइव सेवन से कितना होता है फाइव सेवन से 35, तो हम क्या लिख देंगे प्लस का 35 में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और 35 आ जाएगा, और प्लस 15 हम उसी तरह से इसमें लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा, आपके पास क्या है, अभी सेम चीज़ें नहीं आई है ना, हम सेम पहले करेंगे इसको। x का स्क्वायर वैसे ही लिखे माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री एक्स इतना होता है 9, 10, 11, 12 होता है, तो हम क्या लिख देंगे 12 का x और प्लस 27, और यहाँ क्या लिखेंगे वही चीज़ आ जाएगा x का स्क्वायर, जब इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 12x और प्लस 35 और क्या आ जाएगा प्लस 15, ठीक है। अब क्या देख रहे हो आप, दो चीज़ें सेम सेम देख रहे हो, कौन सी दो चीज़ें सेम देख रहे हो, एक ये और एक ये, तो आप क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे एक चीज़ से लेट कर लोगे, तो लेट करने का तरीका क्या होगा, आप लिखोगे लेट t बराबर है x स्क्वायर माइनस 12 का x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x स्क्वायर माइनस 12 एक्स होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे। आ जाओ, हमने क्या लिखा t लिखा प्लस 27 लिखा, फिर हमने क्या लिखा t लिखा और उसकी जगह क्या लिख दिया प्लस का 35 लिख दिया, और प्लस क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मजीद आगे हम सॉल्व करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। t को t से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा t का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसी t को प्लस 35 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 35 t आ जाएगा, फिर प्लस का इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 27 t आ जाएगा, और फिर यही 27 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 945, हम क्या लिख देंगे प्लस का 945, और जबकि क्या है प्लस 15 हम वैसे ही इसमें लिखेंगे। अब 35 प्लस 27 कितना होता है, 35 प्लस 27 हमारे पास 62 होता है, तो हम क्या लिखेंगे t का स्क्वायर प्लस 35 प्लस 27 हमारे पास 62t, और जब इन दोनों को प्लस करोगे 15 को इसमें प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 960, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मिडल टर्म ब्रेक लेना है। मिडल टर्म ब्रेक लेने का तरीका क्या होता है, पहली वाली टर्म को हम क्या करते हैं लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 960 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या आएगा, 960 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा, फिर देन इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा अभी बताता हूँ आपको, 960 लिखा और एलसीएम ले लो, कौन सी टेबल से काटेगा, 2 की टेबल से काटे हम लोग काटते हैं, 2 4 8 यहाँ से 2 8 16 और 0 का 0 आगे, 2 2 4 2 4 8 0 का 0, 2 1 2 2 2 4 0 का 0, 2 6 12 0 का 0, फिर आ जाते हैं 2 30 जा, फिर 2 15 जा, फिर 2 3 5 3 5 15 और 5 1 5। अब हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारे पास प्लस माइनस करने से क्या आ जाए 62 आ जाए, तो हम करते हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 कितना होता है 32 होता है, ठीक है 32, और इसको देखते हैं 2 3 6 और 6 5 30, 32 और 30 हमारे पास कितना होता है 62 होता है, बिल्कुल यही होता है। तो हम क्या करेंगे इसको ब्रेक इसी तरह से कर देंगे, टी का स्क्वायर लिखेंगे 32t प्लस 30t प्लस 960, जब इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 62 आ रहे हैं, जी बिल्कुल आ रहा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 962 आना ही, क्योंकि हमने उसी से तो लिखा है इसको। तो आज अब नेक्स्ट करेंगे काम, हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों से कॉमन हमारे पास टी कॉमन आ रहा है, तो इस टी से ये टी कहता था हमारे पास क्या बच गया टी बच गया, प्लस 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 ही रहा, इस टी से ये टी कहता था हमारे पास क्या बचा 32 बचा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 30 की टेबल में 960 आ रहा है, क्योंकि हमने अभी इसको सॉल्व किया 30 आ रहा था ना, तो 960 तो आना लाजमी है। तो आ जाओ, तो हमने क्या लिखा 30 लिखा और फिर कॉम ये ले लिया, फिर 30 से 30 कहता था हमारे पास टी बचा, और 30 को जब हम 32 दफ़ा पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है 960 आता है, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास बच क्या गया, ये कॉमन है, टी प्लस 32 लिखा, और फिर जो चीज़ें बच गए टी प्लस
30 हमारे पास बच गई। आप क्या करोगे, जो वैल्यू हमने सपोज की थी उसका क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो करोगे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी किसके बराबर था बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x पुट कर दोगे। तो आ जाओ टी लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x लिखा, उसके जगह प्लस का 32 और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 30। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, तो क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उसको वापसी उतार दोगे, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, माइनस 2 2 5, इक्वल टू का निशान डालोगे। फिर क्या करोगे, इसको इस तरह से अरेंज करोगे, हमारे पास सेम वैल्यू है, माइनस 2 माइनस 5 क्या होता है 7 होता है, माइनस 3 माइनस 4 क्या होता है माइनस 7 होता है। तो सेम चीज़ें आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिखेंगे, x माइनस 5 और इसमें क्या लिखेंगे x माइनस 3 और x माइनस 4 लिखेंगे और माइनस 2 2 5 लिख देंगे। अब क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करोगे। हम जल्दी जल्दी करें ताकि ये सवाल हम जल्दी से सॉल्व करें और इस एक्सरसाइज के इस पार्ट को हम वाइंड अप करें। आ जाओ x को x से मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर आया, फिर x माइनस 5 से क्या आया माइनस 5x हुआ, माइनस 2x से मल्टीप्लाई माइनस 2x हुआ और माइनस माइनस प्लस हुआ, और 2 5 का कितना होता है 2 5 10 होता है। आ जाओ आगे चलते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हुआ, और फिर x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 4x हुआ, माइनस x माइनस प्लस से होता माइनस हुआ और प्लस 3 माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस फिर प्लस होगा और 3 4 जा हमारे पास क्या होता है 4 3 जा 12, तो हम 12 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं हुआ होगा क्योंकि हम वही स्टेप को हम फॉलो करे जा रहे हैं। अब क्या करना है आपको, जो जैसे इसमें आगे सिंप्लीफाई हो रही है इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 तो कितना होता है माइनस का 7x प्लस 10, और इसी तरह से इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 कितना 7x और प्लस का 12 और माइनस 2 2 5, वैसे ही लिखा। अब जो चीज़ें हमारे पास सेम आ रही है ना बेटा, उसको हम क्या करेंगे लेट करेंगे, क्योंकि हम लेट करते हुए तो आ ही रहे ना, हमने देख ही चुके हैं कि किस तरह से हर सवाल सॉल्व हो रहा है। तो इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं सेम आए, तो हम करेंगे लेट टी बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x के, 7x के। ठीक है, फिर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं और फिर प्लस 10, और इसके जगह हम फिर टी लिख सकते हैं और प्लस 12, आखिरी में क्या आएगा 2 2 5। आ जाओ अब इस साइड मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते जाओ और सॉल्व करते जाते हैं। बहुत आसान तरीका है, टी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर, ये सब हम कर चुके हैं ना इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ। फिर टी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 12t, फिर हम 10 को t से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 10t, और फिर जब हम t को 12 से मल्टीप्लाई करके आएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 120, और माइनस 225 हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, कोई अभी तक इशू नहीं हुआ होगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, आ जाओ t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 10t कितना होता है 22t, और जब आप 120 को 225 से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 135 आ जाएगा। ठीक है, 135 आ जाएगा। अब 135 का आपको क्या करना है, अब आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद इसको क्या करना है ब्रेक करना है। 135 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमने कॉमन क्या लेंगे, यही कॉमन लेंगे ना, टी कॉमन आएगा, दोनों टी हमने कॉमन लिया, टी से टी करो हमारे पास एक टी बचा और 27 तो वैसे ही बच जाएगा माइनस का, और इस टी से टी कट जाएगा। फिर इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, 5 कॉमन आएगा, इस 5 से ये 5 करेगा टी आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 5 की टेबल कितनी दफ़ा पड़ेगा 135 आ जाए 27 दफ़ा पड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टी माइनस 27 आ गया, और यहाँ क्या आ गया टी प्लस 5 आ गया। अब क्या करोगे, पुटिंग करोगे, वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करोगे जो हमने सपोज किया था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी बराबर है किसके, देख लेते हैं, हमने वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखा। अब जहाँ जहाँ वैल्यू टी की होगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x वहाँ वहाँ ये पुट कर देंगे, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा है, टी की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 27, और यहाँ क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 5। कितना आसान सा था, आंसर आ गया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बोर्ड में भी मार्क्स आएंगे, और ऐसे तो आपको समझ में अगर आ रहा होगा तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।